करिश्मा, बाकी जगहों पर क्या आपको देखने को मिली? बात अगर हम बिहार की कर लें, बात अगर हम किसी और प्रदेश की कर लें, बिहार में तेजस्वी ने जरूर डेंट किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, बिहार में वही मेरा भी सवाल था जब आपके एक प्रवक्ता थे, उनसे मैं कर रहा था आपसे माध्यम से, कि बिहार में उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। हाँ, ये सही है कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिला था, और खास बात यह बताएं कि किशनगंज जो कांग्रेस को मिला था, अब की बार वो जेडीयू को मिल रहा है, ठीक है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां पे कास्ट कॉम्बिनेशन नैरेटिव सारे के सारे जिस तरह का यहां पर हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी कहा कि वहां पर कांग्रेस एसपी बीएसपी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सारे वोट एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। नेचुरल है, यदि बिहार में भी इस तरह का होता तो परिणाम उल्टा होता। लेकिन अब देखिए, 244 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। यदि आप सिर्फ 30 सीट जो यूपी में लूज कर रही है वो आप जोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से बीजेपी का भी बल्ले बल्ले होता दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी है, राजस्थान में भी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी शिवसेना को 2019 में 41 सीटें मिली थी, अब की बार उनको सिर्फ 18-19 मिल रहा है। लेकिन स्टेट टू स्टेट मामला अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और फखरुल हसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल हसन जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए। ना सिर्फ आपने एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस, जिसको कहते थे कि उसका ग्राउंड पर कोई संगठन नहीं है, सफाई कार्यकर्ताओं ने, मतलब आप लोगों का जो टीम वर्क रहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर, पूर्व में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था ये, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन इस बार आप नतीजों की ओर है। हम पूछते रहे आपसे कि क्या रणनीति है, बताइए एनडीए से कैसे टक्कर लेंगे, और आप कहते रहे कि अपनी रणनीति हम आपको क्यों बताएं। आज तो बता दीजिए क्या रणनीति। देखिए आस्था जी, रणनीति वही है पीडीए। हमने बार बार इस बात को कहा कि हम पीडीए रणनीति पे घोसी का विधानसभा चुनाव जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस बात को नकारती रही कि पिछड़े उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने 34 पिछड़े ओबीसी जातियों के वो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जो गैर यादव ओबीसी थे। 10 दलितों को हमने टिकट दिया, तो जो समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारा था वो हमारे पीडीए फॉर्मूले पे थे। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लगातार नौजवानों के पेपर लीक हो रहे थे, नौजवान गाड़ियों में बस के, ठीक है, इसी पर रिएक्शन आलोक वर्मा जी का भी ले लेते हैं। आलोक जी, पीडीए को आप बार बार परिवार डेवलपमेंट पार्टी अलायंस कहते रह गए, लेकिन लगता है कि पीडीए में यूपी की जनता ने, मतदाताओं ने भरोसा दिया, चाहे वो दलित मतदाता हो जो पहले बीएसपी के साथ था। इस बार आपको उम्मीद थी कि आप और ज्यादा सेंधमारी करेंगे, लेकिन वो बीएसपी को न मिल करके वो गए सपा और कांग्रेस के पास। वैसे ही गैर यादव ओबीसी वो भी छिटक गए आपके पास से, ऐसा लग रहा है। राजनीति चली हो तो मैं पहले से आपसे कह रहा हूँ, जात जवाब की राजनीति चली है, जाते उन्होंने बनाने की जो कोशिश की वो चला है, साथ ही जो दफलत में डालने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी जो एक छोटा सा छोटी सी संविधान की किताब लेकर के जाते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो आपका संविधान बदल देगी, आपका आरक्षण आ जाएगी, आपका आरक्षण भी ले जाएगी, तो जो दफलत में डालने की उन्होंने कोशिश की थी वो उत्तर प्रदेश में चल गया। निश्चित रूप से हमने काम बहुत किया था, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ रहा है, जिसकी गोचर हो रहा है। कोई भी अगर सड़कों पर जाएगा तो शानदार सड़कें उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। 2017 के पहले जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में थे कि रात में भी लाइट नहीं आती थी, दिन में भी लाइट नहीं आती थी, वो हालात उत्तर प्रदेश के बदले हैं, नए उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2022 में भी तस्वीर बदली थी अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से कहें, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के समर्थन में बहुत सारे लोग गए थे, वोट उनको अच्छा खासा मिला था। वो अलग बात है कि विधानसभा में वो जीते नहीं, सरकार आपकी बनी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। एसपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहां जीत गए हैं, दिनेश जो कि यहां से सांसद थे वो हार गए हैं। एसपी प्रत्याशी ने धर्मेंद्र यादव को, एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जनता ने वोट दिया और वो जीत गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, शुरू से आगे चल रहे थे आज, और अब नतीजों में कन्वर्ट हुआ, जीत गए हैं वो, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ।
की हार हुई है। निरहुआ जो कि कहते थे कोई आए कोई जाए, निरहुआ डटल रहल, लेकिन इस बार निरहुआ को पब्लिक ने कह दिया जरूरत नहीं डटे रहने की। वीरेंद्र जी देखिए वहां पर निरहुआ जीते थे लेकिन हाँ। जीत का जो मार्जिन था ना बहुत कम था। देखिए तीन चार कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो शुद्ध करके मुलायम सिंह जी के परिवार का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहिए, जैसे गांधी परिवार का अमेठी है चाहे रायबरेली है, अब उससे सहमत हैं असहमत हैं वो मेरा व्यक्तिगत राय अलग है, लेकिन वो है और उसी का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री के हारने की खबर है वीरेंद्र जी, भानु प्रताप वर्मा जालौन से चुनाव हार गए। वही यूपी की बात मैं कह रहा था, यूपी में जो हो रहा है, जो वोट शिफ्ट हुआ है, जो वोट का फर्क है, उसका परिणाम है कि ये उनके साथ होना ही था और इसको रोक। देखिए रिजर्वेशन की बात आप कह रहे हैं ना, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव में संघ के आरएसएस के द्वारा कुछ आरक्षण पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया और उसका महेंद्रनाथ पांडे, एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे उनकी भी हार हुई है। एक और केंद्रीय मंत्री की हार की खबर और ये भी यूपी से ही, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे हार गए। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी हार चुके, जालौन से भानु प्रताप वर्मा को हार मिली तो वहीं चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे की हार। एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री और वो भी उत्तर प्रदेश। देखिए बाकी जगहों की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश ही वैसी जगह थी जहां पर कम टिकट कटे थे और रिपीट हुए थे यहां पर चेहरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी देखिए अब मैं चंदौली की बात करूंगा, मैंने साफ साफ उसमें देखा कि पिछले चुनाव में पांडे जी 5% कम मार्जिन से जीते थे, तो कायदे से मुझे लगता है उनको टिकट नहीं देना था, बदल देना था लेकिन नहीं बदला गया। तो जब यूपी का दबाव था क्या, यूपी का दबाव समझना चाहिए। चलिए तो बिल्कुल आपका आकलन है कि बहुत कम मार्जिन पिछली बार जीत का था तो इस बार ना रिपीट करते तो शायद बेहतर परिस्थिति होती। और यहां सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, यहां पे ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारी को लेकर प्रश्न उठे और ये कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों का फीडबैक भी नेगेटिव था, लोगों की नाराजगी है, फीडबैक भी नेगेटिव रहा, उसके बावजूद भी उनको रिपीट किया गया। और कई उम्मीदवार तो ऐसे थे कि शायद मोदी के चेहरे के ही भरोसे वो बैठे रह गए, उनको कैंपेनिंग करते हुए गली गली चौपालों में जाते हुए डोर टू डोर कनेक्ट करते हुए भी उस प्रकार नहीं देखा गया। वो डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक तरह से पूरी तरह रिलाय कर गए और जनता से कनेक्ट उनका टूट गया। ये भी एक बड़ी वजह रही क्या प्रदीप जी, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव हार जाना, इससे तो एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है और ये बड़े आत्ममंथन की वजह भी है कि कौन चुनावी मैदान में आपका प्रत्याशी है। प्रदीप जी आलोक वर्मा हमारे साथ हैं, लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही है फिलहाल, आवाज उन तक नहीं जा रही है। और झांसी में बीजेपी की जीत तय है, बीजेपी के अनुराग शर्मा यहां से जीत गए हैं। झांसी से बड़ी खबर, यहां पर रोड शो भी हुआ था, लंबा रोड शो हुआ था, बड़ी मजबूती के साथ प्रचार बीजेपी ने किया था, मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया था और अनुराग शर्मा ने एक बार फिर यहां पर जीत हासिल की है। झांसी से अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। और आलोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक वर्मा जी से सवाल कि क्या कैंडिडेट्स को लेकर गलती हो गई उत्तर प्रदेश में, जो नाराजगी लोकल स्तर पर थी उसे नजरअंदाज किया गया था? ये फिलहाल तो अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि शायद प्रत्याशी बदलते तो सभी हमसे कुछ ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि ये समीक्षा का विषय है, क्या प्रत्याशी बदलने से कुछ फायदा मिलता है या कुछ और चीजें चल गई। तो ये जो हम बैठेंगे मंथन चलेगा, मंथन का दौर शुरू हो गया है, हमारे जो लीडर्स हैं वो बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि हमने जो कोई भी सियासी दल कर सकता है जिसको सत्ता सौंपी गई हो वो परिवर्तन ला सकता है, विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर मंथन की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बैठेंगे निश्चित रूप से और उसके लिए एक बैठक भी इस वक्त लखनऊ में चल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। फखरुल हसन जी हमारे साथ हैं। फखरुल जी इस वक्त जो यूपी का टैली कह रहा है, 40 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं और 39 सीटों पर एनडीए के